नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो हमारे वीडियो पर बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आते हैं, तो सर ऐसे शेयर बताइए जिसमें हम इन्वेस्ट करें और लॉन्ग टर्म में हमें एक अच्छा रिटर्न प्राप्त हो। तो आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसे शेयर बताएंगे, पांच ऐसे शेयर जिसमें आप अगर इन्वेस्ट कर देते हैं तो आप एक करोड़पति बन जाएंगे एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में। लेकिन ये वीडियो उन बिगिनर्स के लिए है जो स्टॉक मार्केट में नए हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट में एक लंबे टाइम से हैं तो आप भी देख सकते हैं, लेकिन ये वीडियो खास करके बिगनर्स के लिए है जो कि स्टॉक मार्केट में आए हैं और स्टॉक मार्केट से मनी अर्न करना चाहते हैं, यहां से करोड़ों रुपये अर्न करना चाहते हैं, एक ह्यूज वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं। तो उनके लिए ये एडवाइस है और ये पांच शेयर हैं जिसमें वो इन्वेस्ट करते हैं एक लॉन्ग टर्म के लिए, तो निश्चित है कि वो करोड़ों रुपये यहां से बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करेंगे। उससे पहले बता दें, अभी जो मार्केट है वो आपको बहुत ही डिस्काउंटेड रेट पर बहुत सारे स्टॉक्स दे रहा है, तो वैसे में ही हम यहां पर निफ्टी 50 इंडेक्स जो है, जिसे आप जानते हैं कि निफ्टी 50 जो इंडेक्स है ये पूरे विश्व में फॉलो किया जाता है। मतलब निफ्टी 50 में जो भी स्टॉक्स होते हैं वो फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग्स होते हैं। हर साल जो स्टॉक्स परफॉर्म नहीं करते हैं उसे इंडेक्स से बाहर कर दिया जाता है, उसे निफ्टी 50 के इंडेक्स से बाहर कर दिया जाता है, और जो नए अच्छे स्टॉक्स होते हैं उसे जो कि लगातार पिछले कई सालों से अच्छा परफॉर्म करें उसे शामिल कर लिया जाता है। और ये सारे जो स्टॉक्स होते हैं अपने सेक्टर के लीडिंग स्टॉक्स होते हैं, वेल एस्टेब्लिश्ड होते हैं, जिनकी ब्रांड वैल्यू होते हैं, मतलब कहे जाए हर तरह से वो स्टॉक्स जो है फंडामेंटली और टेक्निकली बहुत ही अच्छा परफॉर्म करते आया है पिछले कई सालों से, तब उसे निफ्टी में शामिल किया जाता है। और जो स्टॉक परफॉर्म नहीं करते हैं उसे बाहर कर दिया जाता है। जैसे यस बैंक देख सकते हैं, यस बैंक को बाहर कर दिया गया और उसके स्थान पर दूसरे स्टॉक्स को इसमें शामिल कर लिया गया। तो इस तरह से लगातार चलता रहता है, जो स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं तो उन्हें बाहर कर देता है, जो स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म करें उसे शामिल कर लिया जाता है। तो ये देख सकते हैं निफ्टी का चार्ट आपके सामने हम ओपन किए हैं हमारी वेबसाइट nscindia.com से, और यहाँ पर निफ्टी 50 इंडेक्स जब आप ओपन करते हैं यहाँ पर देख सकते हैं, तो आज के सारे स्टॉक्स 50 में यहाँ पर जो देख सकते हैं परिवर्तन हुआ है, यहाँ पर चार्ट में आपको दिखा रहा है। तो इसमें से पांच स्टॉक्स हम जो सेलेक्ट किए हैं वो पांच स्टॉक्स आपको बता देते हैं, पहले कौन कौन से स्टॉक्स हैं। तो सबसे पहला यहाँ से हम चलते हैं ऊपर से, सबसे पहला जो स्टॉक्स इसमें ऊपर से हमारा आ रहा है जिसको हमने सेलेक्ट किया आपके लिए वो है HDFC। देखते हैं HDFC NBFC सेक्टर का लीडिंग स्टॉक्स है, तो हमारा बजाज फाइनेंस है वो भी स्टॉक्स है, लेकिन HDFC अभी भी नंबर वन है। आप देखते हैं HDFC में करेक्शन आपको कम देखने मिलेगा, बजाज फाइनेंस में आपको इसके रिस्पेक्ट में कई टाइम्स ज़्यादा जो है वो डाउनफॉल देखने मिलेगा। तो HDFC ग्रुप जो हमारा इंडिया का बहुत ही बड़ा ग्रुप है उसका स्टॉक्स है, और ये हमारा होल्डिंग कंपनी भी है HDFC ग्रुप का। तो ये हमारा जो है HDFC स्टॉक्स है बहुत ही बेहतरीन स्टॉक्स है। जैसे आपको देख सकते हैं इसमें गिरावट देखने मिला तो वैसे उसी तेजी से ये रिकवर भी करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 365 डे का यहाँ जो रिटर्न है वो आपको यहाँ दिखाएगा, तो -22% है। तो अभी मार्केट जो है बहुत ही ज़्यादा डाउन है, तो 65% में चेंज में यहाँ देखिएगा तो देख सकते हैं बहुत सारे स्टॉक्स 50% करेक्शन में है। देख सकते हैं बहुत सारे स्टॉक्स है जो कि बहुत ही ज़्यादा करेक्शन पर आपको मिल रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर यहीं देखिएगा आप जो है बजाज फिनसर्व है, देख सकते हैं 45% से भी ज़्यादा का करेक्शन पे है, और वहीं HDFC मार देख सकते हैं 22 का करेक्शन है इसमें। उसके बाद दूसरा स्टॉक जो हमने सेलेक्ट किया है वो है HUL। पांच स्टॉक्स आपके लिए सेलेक्ट किया, फिर बारी बारी से इसके चार्ट को भी डिस्कस करेंगे कि ये आपको किस प्रकार रिटर्न दिया है, आगे किस प्रकार का रिटर्न देगा। देखते हैं HUL इतना बड़ा गिरावट में भी अभी देख सकते हैं इसमें जब करेक्शन आया हुआ है अभी, तो अभी भी ये 15% का रिटर्न दे रहा है एक साल में। तो समझ सकते हैं कितना ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है कि इतना बड़ा गिरावट में भी अभी भी ये 15% का रिजल्ट मतलब रिटर्न दे रहा है आपको एक साल में। तो फिर नीचे चलते हैं, तो दो स्टॉक्स आपको हो गया, पहला HDFC दूसरा HUL। अब हम तीसरा स्टॉक्स जो कि आपके लिए सेलेक्ट किया है, चलिए यहाँ पर नीचे चलते जाते हैं, तो तीसरा स्टॉक्स HDFC बैंक। इसमें बहुत ज़्यादा करेक्शन आपको देखने मिलेगा, लेकिन उतनी तेज़ी से ये रिकवर भी करता है अपना प्राइस। देखते हैं 60% का करेक्शन, इतना करेक्शन पर आपको ये स्टॉक्स मिल रहा है, अब क्या चाहिए। और ये स्टॉक्स अभी आपको 60% ये 70% करेक्शन पे था, अभी 800 के आसपास था ये स्टॉक। देख सकते मात्र दो दिनों में ये जो है 100 पॉइंट से एभव का इसमें ग्रोथ देखने मिला है, मतलब 100 पॉइंट से ज़्यादा का तेज़ी इसमें देखने मिला है मात्र दो दिनों में। तो ये स्टॉक्स उतनी ही तेज़ी से रिकवर भी करेगा जितना इसमें आप देखने के फॉल आया है, क्योंकि ये मार्केट लीडर है अपने सेक्टर का। और फिर नीचे चलते हैं,
फिर नीचे आते हैं तो देखते हैं हमारा जो चौथा स्टॉक्स है वो है टाइटन। टाइटन देख सकते हैं, इसमें अभी आपको भारी गिरावट देखने मिले, देख सकते हैं 27.91% का गिरावट पे आपको स्टॉक्स मिल रहा है। मतलब इतना चीप वैल्यूएशन पे स्टॉक्स मिल रहा है अपने 52 वीक हाई से। उसके बाद जो हमारा पांचवा स्टॉक्स है वो है TCS। TCS देखते हैं मात्र 6% का गिरावट, जहां आप देख सकते हैं 50% 60% करेक्शन पे आपको स्टॉक्स मिल रहे हैं, वहीं TCS में मात्र देख सकते हैं 6% का करेक्शन है। तो समझ सकते हैं ये सारे स्टॉक आपको इतने चीप वैल्यूएशन पर अभी मिल रहे हैं। TCS इसमें तो करेक्शन नहीं आया, लेकिन टाइटन में आपको बहुत ही ज़्यादा करेक्शन पे स्टॉक्स मिल रहा है। तो इन पांचों स्टॉक्स में अगर आप निवेश कर देते हैं एक लॉन्ग टर्म के लिए, जैसे हमारा सिचुएशन नॉर्मल होता है, ये फिर से अपने प्राइस को बहुत जल्द रिकवर कर लेगा। चलिए हम चार्ट पे बात करते हैं कि ये हमारा जो है चार्ट पे कब कैसा रिटर्न दिया है। तो यहाँ पर उसके बाद लेवल और टारगेट की बात करेंगे, किस लेवल पर आपको इसमें बाइंग स्टार्ट करनी चाहिए। तो सबसे पहले HUL देखते हैं, 1 डे का रिटर्न, तो फिर 5 डे का रिटर्न आप देख सकते हैं, अभी देखते हैं 5 डे में भी ये मूव किया है। 1 मंथ में देखिएगा तो इस पर करेक्शन आया देख सकते हैं। उसके बाद आप 6 मंथ में देखिएगा कोई करेक्शन इसमें नहीं है, स्टॉक में कोई गिरावट नहीं HUL में। HUL जो देखते हैं FMCG सेक्टर, जिस सेक्टर में सबसे ज़्यादा कंपटीशन है, इस सेक्टर में डाबर जैसी, नेस्ले जैसी, कोलगेट जैसी, बहुत सारी जो है बड़ी बड़ी कंपनियां है, मैरिको जैसी, ITC जैसी, तो बहुत सारी FMCG में कंपटीशन है, बहुत सारी अच्छी अच्छी कंपनियां हैं, उसका ये मार्केट लीडर कंपनियां हैं। तो समझ सकते हैं ये स्टॉक्स, इसके बहुत सारे प्रोडक्ट जो है मार्केट में, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स है जो कि मार्केट में अपने सेक्टर की मतलब बहुत ही बेटर प्रोडक्ट है। इसीलिए जो HUL है इसमें आपको ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि HUL के हजारों प्रोडक्ट्स है जो कि मार्केट में बहुत सारे डिमांड है उस प्रोडक्ट के, और इसके स्टोर जो पूरे ऑल ओवर इंडिया में है। तो समझ सकते हैं ये कंपनियों के स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए। और जैसे ये 2000 से नीचे आता है, अभी देख सकते हैं 2057 रुपीज़ है, तो जैसे ये 2000 से नीचे आता है तो आपको इसमें पहला इंस्टॉलमेंट लगा देने चाहिए। मतलब जैसे जैसे करेक्शन पे आता है 2000 से नीचे आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, वैसे वैसे इंस्टॉलमेंट में, मतलब SIP मोड में। फिर 1 ईयर में देखिएगा तो 1 ईयर में देख सकते हैं ये पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 5 ईयर में देखिएगा तो बेहतरीन चार्ट है, देख सकते हैं इस तरह का चार्ट, इतना करेक्शन आया है मार्केट में, उसके बाद देख सकते हैं आप इसमें कोई करेक्शन ही लॉन्ग टर्म में नहीं दिखेगा। मैक्सिमम ईयर में बात करते हैं, देख सकते हैं मैक्सिमम ईयर का चार्ट कितना बेहतरीन चार्ट है, देख सकते हैं मैक्सिमम ईयर में देख सकते हैं इतना बेहतरीन चार्ट है, ये देख सकते हैं कई 1000% का रिटर्न ये लॉन्ग टर्म में दे चुका है। तो इतना बेहतरीन चार्ट है, FMCG का लीडिंग मतलब स्टॉक्स है, इसके बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, लाइफ बॉय, डव, डिटोल, मतलब ऐसे ऐसे इनके प्रोडक्ट्स हैं जो डेली लाइफ में यूज होते हैं और हर स्टोर में आपको इंडिया में मिल जाएंगे, रिटेल स्टोर में आपको इनके प्रोडक्ट। तो समझ सकते हैं रिटेल स्टोर में डिटोल आपको मिल जाएंगे, मेडिकल स्टोर में। तो इसके जो पोर्ट मतलब इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, हर सेक्टर में फैले हुए हैं, हर स्टोर में हैं। तो इसलिए इन स्टॉक्स में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। उसके बाद हमारा आता है TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, देख सकते हैं TCS IT सेक्टर के लीडिंग स्टॉक्स। देख सकते हैं मार्केट में कितना गिरावट आया है, आप देखिए 1 ईयर में इसमें बहुत ही कम गिरावट, देख सकते हैं गिरावट आया था, जो भी गिरावट आया था उसको देख सकते हैं रिकवर कर लिया था। 1 ईयर में देख सकते हैं चार्ट में कोई खास डिफरेंस नहीं, यहाँ पर गिरावट आया था, हर स्टॉक्स में आया था तो इसमें भी आया था, फिर यह तेज़ी से रिकवर कर लिया। 5 ईयर में देखिएगा तो कोई गिरावट ही आपको नहीं देखेगा, देख सकते हैं। अब मैक्सिमम में देखिएगा तो इसका चार्ट इतना बेहतरीन है, देख सकते हैं। साथ ही साथ IT कंपनियाँ आपको लगातार बोनस देती है, समझ सकते हैं बोनस आप वो मैजिक है जो आपके रिटर्न को कई टाइम्स मल्टीप्लाई कर देता है। अगर जो उसके मैजिक को नहीं जानते हैं, बोनस के मैजिक को, तो आप आई बटन पे क्लिक करके या हमारे चैनल पे जा करके उन वीडियोस को देख सकते हैं जिसमें हमने बोनस के मैजिक के बारे में डिस्कस किया है। साथ ही ये कंपनी आपको बेहतरीन डिविडेंड देती है, देख सकते हैं डिविडेंड यील्ड 1.67% का डिविडेंड है, समझ सकते हैं कितना ह्यूज डिविडेंड आपको देता है इसका 1.67%। इसीलिए ये कंपनियों में आप जरूर इन्वेस्ट करें, और जो डिविडेंड मिलता है उसको फिर से री इन्वेस्ट कीजिएगा, जो डिविडेंड आपको मिलेगा उसको री इन्वेस्ट कीजिएगा, तब तो आप एक मिलीनियर बनेगा, करोड़ों यहाँ से कमा पाइएगा। तो जो डिविडेंड मिले उसको फिर से री इन्वेस्ट करना है आपको। उसके बाद है हमारा HDFC, दोस्तों NBFC सेक्टर का लीडिंग स्टॉक्स, हमने पहले भी बात किया कि ये NBFC सेक्टर का लीडिंग स्टॉक्स है, इसका भी डिविडेंड देखिए कितना शानदार है, और इसमें अभी बहुत ज़्यादा डिस्काउंटेड आपको मिल रहा है, देख सकते हैं
ईयर टिल डेट में हम इसका रिटर्न बहुत ही ज़्यादा डिस्काउंट पर आपको मिल रहा है। वन ईयर में देखिएगा और ज़्यादा देख सकते हैं डिस्काउंटेड प्राइस पर आपको मिल रहा है, लेकिन फाइव ईयर्स में देखिएगा तो फाइव ईयर्स में पिछले मतलब इस पैंडमिक से पहले देख सकते हैं कितना बेहतरीन रिटर्न दे रहा था। मैक्सिमम ईयर में देखिएगा चार्ट, तो चार्ट देखने में बहुत ही खूबसूरत है, देख सकते हैं 3500% का रिटर्न, समझ सकते हैं। ऊपर से डिविडेंड यील्ड भी कितना शानदार है, देख सकते हैं। तो इसलिए ऐसे स्टॉक में आप इन्वेस्ट करें, क्योंकि मार्केट जैसे हमारा नॉर्मल सिचुएशन पहुंचता है, हमारा जो पैंडेमिक सिचुएशन नॉर्मल होता है, ये मार्केट के लीडर स्टॉक से ये अपने प्राइस को बहुत जल्द रिकवर कर लेंगे। इसलिए ऐसे स्टॉक में आप ज़रूर इन्वेस्ट करें, क्योंकि अभी बहुत ही ज़्यादा डिस्काउंट पे आपको मिल रहे हैं, तो अभी इन्वेस्ट करना आपका बनता है। उसके बाद हमारा आता है HDFC बैंक। दोस्तों HDFC बैंक, हमारे यहाँ बहुत सारे बैंक जो है करप्ट होते जा रहे हैं, मतलब आपने देखा PNB में फ्रॉड, एस बैंक में फ्रॉड, इस तरह से लगातार एक से एक फ्रॉड आते जा रहे हैं, जिससे बहुत सारे बैंकिंग स्टॉक जो अभी आपको करेक्शन पे मिल रहे हैं। ये हमारा 60% करेक्शन पे अभी के प्राइस पे मिल रहा है, इसमें और ज़्यादा इस दो दिन के तेजी के बाद, नहीं तो ये 830 रुपीज का स्टॉक्स मात्र था। उसी तरह आप इसका रिटर्न देखिएगा, वन मंथ का देखिए, अभी ये डाउन चल रहा है, वन ईयर का देखिएगा तो काफ़ी ये डाउन मिलाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा करेक्शन आ चुका है इसमें। फिर फाइव ईयर्स का देखिएगा तो देख सकते हैं फाइव ईयर्स में चार्ट कितना बेहतरीन है। इस पैंडमिक सिचुएशन कारण आपको इसमें करेक्शन मिल रहा है, नहीं तो HDFC बैंक चार्ट इतना बेहतरीन, देख सकते हैं लॉन्ग टर्म में चार्ट में कितना बेहतरीन ये स्टॉक्स है। लॉन्ग टर्म में देख सकते हैं पैंडमिक से पहले ये 6000% का रिटर्न दे चुका था, और डिविडेंड भी अच्छा दे रहा है। तो डिविडेंड जैसे आपको मिलता है उसको रीइन्वेस्ट कीजिए, तब आप जो स्टॉक मार्केट से बहुत ही अच्छा अर्न कर पाएंगे। HDFC बैंक कभी भी ये डूब नहीं सकता ये बैंक, क्योंकि ये बैंक हमारे इंडिया का एक बैकबोन है, ये हमारा जो प्राइवेट सेक्टर है उसकी लीडिंग बैंक है, समझ सकते हैं। SBI के बाद जो दूसरा सबसे बड़ा बैंक है, मतलब SBI से भी बड़ा कहे तो वो है HDFC बैंक, प्राइवेट सेक्टर में है, प्राइवेट सेक्टर का लीडर बैंक है, तो ये बैकबोन है इंडिया का, हमारी इकोनॉमी का, तो ये बैंक कभी डूब नहीं सकता है। और ये ग्रुप भी बहुत बड़ा है, HDFC, HDFC AMC, HDFC लाइफ, तो समझ सकते हैं कि बहुत बड़ा ग्रुप का ये बैंक है। उसके बाद आता है हमारा पाँचवा स्टॉक्स टाइटन। दोस्तों टाटा ग्रुप का ये स्टॉक्स है, और ये हमारे जो राकेश झुनझुनवाला जी है उनको ये स्टॉक्स एक बिलीनियर बना चुके हैं, मिलीनियर नहीं बिलीनियर, मतलब अरबों रुपया इस स्टॉक से वो रिटर्न के रूप में कमा चुके हैं। इसका मैक्सिमम ईयर का चार्ट देखिएगा तो देखिएगा मैक्सिमम ईयर में कितना बेहतरीन रिटर्न दिया है, देख सकते हैं यहाँ से। इसके बोनस और स्प्लिट को जब शामिल कीजिएगा तो ये हमारा 10% का रिटर्न दे चुका है, जो कि 20 साल पहले इसमें इन्वेस्ट किए थे, और साथ साथ डिविडेंड भी अच्छा देता है, और साथ साथ ये स्टॉक अभी आपको बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस पे आपको मिल रहा है, तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और ये स्टॉक जैसे सिचुएशन नॉर्मल होता है, मतलब सिर्फ लॉकडाउन इसको इफेक्ट कर रहा है और इसमें कोई प्रभाव नहीं है, जैसे इसके स्टोर ओपन होते हैं ये स्टॉक्स तुरंत अपने प्राइस को रिकवर कर लेगा, क्योंकि ये फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है। और आप देख सकते हैं 2017 से ये स्टॉक्स काफ़ी तेज़ी इसमें देखने मिला है, क्योंकि ये स्टॉक्स जो है गोल्ड ज्वेलरी मतलब ज्वेलरी सेक्टर में है, और ये अभी जो गोल्ड का भाव बढ़ा है, जैसे हमारा सिचुएशन नॉर्मल होता है निश्चित है कि गोल्ड का प्राइस नीचे आएगा, तो जितना गोल्ड का प्राइस मतलब कम रहता है इनके ज्वेलरी के प्रोडक्ट में उतना बेनिफिट होता है इनका, मतलब उतना प्रॉफिट होता है उस पर। तो ये कंपनियां बहुत ही बेहतरीन है, इनका बिजनेस भी बेहतरीन है, सिर्फ लॉकडाउन के कारण इसका बिजनेस इफेक्टेड हुआ, जैसे इनका स्टोर ओपन होता है इस स्टॉक में आपको भारी तेज़ी देखने मिल सकता है। तो दोस्तों इन सारे स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट करें, आप जैसे तैसे पैनी स्टॉक्स या जैसे तैसे स्टॉक्स में ना फंसे। अभी ब्लू चिप स्टॉक जो है वो आपको बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस पर मिल है, अगर आप स्टॉक मार्केट में आए हैं और स्टॉक मार्केट से अर्न करना चाहते हैं तो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बने और इन सारे स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट करें। इसके सिवा भी बहुत सारे अच्छे अच्छे स्टॉक है जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसके लिए लगातार हमारे चैनल पर जो वीडियो आ रहे हैं उसको वॉच करते रहें। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन दबा दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।